लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। परसों देर रात जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को, फोटो जर्नलिस्टों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुलित्जर अवार्ड मीडिया क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तीनों पत्रकारों का नाम डार यासिन, चुन्नी आनंद और मुख्तार खान है। तीनों एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए हैं। तीनों ने जो फोटो जर्नलिज्म की वो धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये उनकी तस्वीर थी। लेकिन सियासत वहां से शुरू होती है जब कांग्रेस के राहुल गांधी ने तीनों को बधाई दी। भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि ये तीनों पत्रकार तथाकथित भारतीय हैं। संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये तीनों पत्रकार तथाकथित भारतीय हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने ये स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर, इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, उनका क्या मानना है, क्योंकि उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को, कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। और राहुल गांधी का इन्हें बधाई देना ये बताता है कि ये भारत के साथ खड़े हुए नहीं है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस पे जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस का स्टैंड कश्मीर के मुद्दे पर क्या है। संबित पात्रा ने अपने वीडियो इंटरव्यू में, वीडियो बयान में यह भी कहा कि पुलित्जर सम्मान भी भारत के विरोध में है। पुलित्जर अवार्ड के वेबसाइट का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। इसकी पड़ताल करते हुए जब हम लोगों ने पुलित्जर प्राइज के वेबसाइट की छानबीन की, तब हमें इस तरह का कोई भी कंटेंट वहां पर नहीं मिला। संबित पात्रा जी ने जिस सेक्शन का उल्लेख किया था, हम लोगों ने वहां पर भी इसकी छानबीन की, लेकिन ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी के सिर्फ तथाकथित भारतीय बोल देने से या एंटी नेशनल बोल देने से क्या कोई एंटी नेशनल हो जाता है? क्या इसमें हम लोग खुद की बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आज सुबह से ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग राहुल गांधी गद्दार है, हैशटैग जो राहुल गांधी को उनके विपक्षी बुलाते हैं पप्पू, पप्पू गद्दार है। इस ट्रेंड से हमें पता चलता है कि हमें कितने मानसिक दिवालियेपन के कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अगली है वो है शराब को लेकर। शराब सरकार ने, शराब की दुकानें फिर से शुरू कर दी हैं, और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे राजस्व यानी टैक्स सरकार को मिलेगा, क्योंकि सरकार की आमदनी काफी ज्यादा कम हो गई है। बीजेपी के एक पूर्व विधायक इससे दो हाथ आगे निकलते हुए उन्होंने कहा कि शराब पीने से गले में कोरोना वायरस मर जाएगा और कोरोना वायरस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है। सीरियसली, शराब पीने से कोरोना वायरस अगर मर जाता तो पूरी दुनिया अभी शराब के नशे में डूबी होती और कोई भी कोरोना वायरस से नहीं मर रहा होता। तो इसीलिए कहा जाता है लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, भक्ति का नहीं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बहिष्कार शराब की दुकानों पर हो रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि टैक्स के लिए सरकार क्या क्या नहीं कर सकती है। सरकार ने जिस तरीके से शराब की दुकान के बाहर जो अनियमितता दिखाई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी यहाँ पर ना सरकार ना ही लोग काफी ज्यादा सजग हैं। लॉकडाउन केवल बढ़ा देने से कोरोना वायरस से हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, या सही शब्दों का प्रयोग करें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी कोरोना वायरस को नहीं हरा पाएंगे। और शराब की दुकानों पर यही सबसे ज्यादा कम दिख रहा है, वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी खबर अभी की मानी जा रही है वो ये है, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है आप लोगों ने अभी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया होगा। 9 करोड़ भारतीयों ने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया है। लेकिन इस पे खबर इसलिए बन रही है क्योंकि इस पे सवालिया निशान उठ रहा है कि क्या आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षित है, क्या ये आपके डेटा को चुरा रहा है। एक हैकर ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा
कि ये आपके डेटा को चुरा रहा है और 9 करोड़ भारतीयों के डेटा दांव पे लगे हुए हैं। उसने कुछ देर के बाद दोबारा ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सरकार के लोगों ने उससे बातचीत की है और उम्मीद है कि वो लोग जल्द ही इस पर काम करेंगे। लेकिन सरकार की ओर से बयान जारी करते हुए आज ये कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप में किसी की भी डेटा ब्रीचिंग नहीं की जा रही है। सरकार ने अपने जारी बयान में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप आपके लोकेशन को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करता है। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट के लिए, और जब आप चेक करते हैं कि आपके आसपास के इलाके में कोई कोरोना पीड़ित है या नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि इसकी लोकेशन लगातार ऑन रहती है। ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके ही आप आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन या ब्लूटूथ किसी भी वक्त के लिए ऑफ होगा तो आप उस समय आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डेटा ब्रीचिंग नहीं हो रही है, वो काफी सोचने की बात है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले पेगासस नाम के एक मालवेयर भी कई लोगों के मोबाइल में कथित तौर पे इंस्टॉल किए गए थे और ये कहा गया था कि सरकार उन पे सर्विलांस रखना चाह रही है। इससे पहले लगभग 1 साल पहले यूआईडी नाम का कॉन्टैक्ट कई लोगों के फोन में अचानक खुद से सेव हो गया और इस पे सरकार ने कहा था कि हाँ, ये हम लोगों से गलती से हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के अनुसार अप्रैल के महीने में, यानी जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, उस महीने में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। बेरोजगारी का प्रतिशत 27.11% हो चुका है। मार्च में यही 8.74% थी। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या लॉकडाउन का असर किस तरीके से हमारी बेरोजगारी पर असर डालेगा। लॉकडाउन से ठीक पहले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से भारत जूझ रहा था। इस बीच में कोरोना वायरस का संकट और लॉकडाउन क्या बेरोजगारी की कमर और तोड़ देगा? क्या आने वाली युवा पीढ़ी किसी भी तरह के अच्छे रोजगार से वंचित रह जाएगी? ये एक सरकार के प्लानिंग पर हम लोगों को देखना होगा, हमें ये समझना होगा कि सरकार इसके बारे में क्या देखती है, क्या सोचती है और इस पे क्या फैसला करती है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कहे जाने वाले जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने पालघर हिंसा के बाद सोनिया गांधी पर काफी ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिए। कथित तौर पर उनके ऊपर हमला भी हुआ। हमला करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये हमला कांग्रेस ने ही करवाया है और उन्होंने जो 2 लोगों की पहचान की, उन्होंने ये भी बताया कि वो भी कांग्रेस से हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उस आपत्तिजनक बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, यानी रोक लगा दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि अर्नब गोस्वामी अपने पद और अपने चैनल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गिरफ्तारी की रोक लगाई गई है, उस रोक को खत्म किया जाना चाहिए। याचिका में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के कई ट्वीट्स और बयान और कई वीडियो फुटेजेस सौंपे गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हर शाम हर रात द नेशन वॉन्ट्स टू नो टीवी पे कहते हैं, क्या वो भी अपने पद का और अपने चैनल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बयान देता है और महाराष्ट्र सरकार आगे क्या करती है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए डेमोक्रेटिक चरखा। नमस्कार।